नमस्कार, आपण पाहतात कटू सत्य लाईव्ह न्यूज। चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राइब, शेअर, लाईक, कमेंट करून महाराष्ट्रभरातील नवनवीन बातम्यांसाठी बेल आयकन दाबायला विसरू नका। आपकी अंग्रेजी स्पीकी है उसको समझने के बाद मुझे यकीन हो गया है कि मेरी 3 महीने की अंग्रेजी स्पीकने की तपस्या में कोई कमी नहीं थी। जैसी अंग्रेजी प्रधानमंत्री ने अमेरिका में बोली है, जैसी अंग्रेजी में प्रधानमंत्री ने अमेरिका में बात की है, वैसी अंग्रेजी को भारत भूमि पर कोई मानव समझ नहीं पा रहा है। ट्विटर की दुनिया में एक अलग सा तनाव फैल गया है कि ये मोदी जी ने अमेरिकी आदमी से क्या कह दिया। ये देखिए, हर कोई जानना चाहता है कि मोदी जी ने क्या कहा, मोदी जी दूसरों से अलग अंग्रेजी कैसे बोल लेते हैं, क्या ये ज्ञान उनको हिमालय प्रवास के दौरान प्राप्त। आपकी अंग्रेजी स्पीकी है उसको समझने के बाद मुझे यकीन हो गया है कि मेरी 3 महीने की अंग्रेजी स्पीकने की तपस्या में कोई कमी नहीं थी। जैसी अंग्रेजी प्रधानमंत्री ने अमेरिका में बोली है, जैसी अंग्रेजी में प्रधानमंत्री ने अमेरिका में बात की है, वैसी अंग्रेजी को भारत भूमि पर कोई मानव समझ नहीं पा रहा है। ट्विटर की दुनिया में एक अलग सा तनाव फैल गया है कि ये मोदी जी ने अमेरिकी आदमी से क्या कह दिया। ये देखिए, हर कोई जानना चाहता है कि मोदी जी ने क्या कहा, मोदी जी दूसरों से अलग अंग्रेजी कैसे बोल लेते हैं, क्या ये ज्ञान उनको हिमालय प्रवास के दौरान प्राप्त हुआ। अगर ऐसा है तो अद्भुत है। भारत में मोदी जी के बहुत से समर्थक इस बात पर भी खुश हो रहे हैं कि मोदी जी ने अमेरिका में आज नई भाषा का आविष्कार किया है। आज मैं आपके सामने नरेंद्र मोदी जी की इस अत्यंत कठिन, पृथ्वी से विलुप्त हो चुकी आंग्ल भाषा का हिंदी में अनुवाद करके बताऊंगा। चलिए ध्यान दीजिए, मोदी जी जब बिना टीपी के कुछ कहना चाहते हैं तो पता नहीं देश समझ क्यों नहीं पाता है। कैमरा ऑन होता है, मोदी जी समझ जाते हैं कि शॉट रेडी है। वो लंबी चाल से आगे बढ़ते हुए डायलॉग में थोड़ी ऊर्जा डालते हुए कहते हैं, गुड आफ्टरनून, थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। दूसरी तरफ से फिरंगी जवाब देता है, लेकिन कोई बात नहीं, अब बारी मोदी जी के उस डायलॉग की आ जाती है जिस डायलॉग को बार बार सुनने के बाद भी दुनिया समझ नहीं पा रही है। मोदी जी हंसते हुए तेजी से अंग्रेजी की तरह बोलते हुए कहते हैं, और यहाँ पर तेजी से अंग्रेजी बोलने का एक फायदा भी होता है दोस्तों, कि आप कुछ भी बोलिए वो अंग्रेजी ही लगती है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि मोदी जी क्या बोलना चाहते थे, उनकी बड़बड़ाहट में क्या छुपा था, आखिर वो कहना क्या चाहते थे जिसे देश नहीं समझ पाया। तो सुनिए, मोदी जी ने आगे अपनी इंग्लिश को धार देते हुए कहा कि You can do that one can not do। इसका अर्थ पुराणों में जो निहित है उसके हिसाब से ये होता है कि you can do मतलब जो आप कर सकते हैं, that one can not do मतलब जो आप कर सकते हैं वो कोई और नहीं कर सकता। तो मोदी जी ने कहा, you can do that one can not do मतलब जो आप कर सकते हैं वो कोई और नहीं कर सकता। बस इतनी सी अंग्रेजी थी जो दुनिया को समझ में नहीं आ रही थी। तो अब मोदी जी की असाधारण अंग्रेजी को समझने के लिए और आगे बढ़ते हैं। आगे की आंग्ल भाषा की पंक्तियों में नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि इन्वेस्टिगेटिंग इन अ गर्ल चाइल्ड लिफ्ट्स अप द एंटायर फैमिली। इसका मतलब हुआ कि हमें अपनी बच्ची की जांच पड़ताल जरूर करनी चाहिए, जबकि मोदी जी को कहना चाहिए था कि वी मस्ट इन्वेस्ट इन अवर गर्ल चाइल्ड। इसका मतलब होता है कि हमें अपनी बच्चियों को समय देना चाहिए, उन पर ध्यान देना चाहिए, ना कि अपनी बच्चियों की जांच पड़ताल करानी चाहिए। बोलना चाहिए था इन्वेस्ट और बोल गए इन्वेस्टिगेट। कोई बात नहीं, टीपी से भी कभी कभी गलती हो जाती है, और जिस अंग्रेजी का माने ही ना मालूम हो उसे गलत पढ़ने वाले को दोष भी नहीं लगता है। कोई भी श्रोता उसे मन से तुरंत माफ कर सकता है। अमेरिका ने आज देख लिया कि भारत किसी भी मामले में अमेरिका से कम नहीं है। हम ऐसी अंग्रेजी बोलते हैं जो किसी को समझ में नहीं आती। मोदी जी ने ऐसा करके अमेरिका में रोजगार के नए अवसर भी खोल दिए हैं, क्योंकि इस तरह की अंग्रेजी ना समझने वाले अमेरिकी इस तरह की अंग्रेजी को समझने के लिए अब ट्रांसलेटर रख सकते हैं, जिससे उन ट्रांसलेटरों को रोजगार मिलेगा। मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया का नारा अमेरिका में भी बुलंद हो रहा है। आगे मोदी जी अपनी आंग्ल भाषा का प्रदर्शन करते हुए कहते हैं, रिलेशनशिप भी। भारत के लोगों ने अब तक रमेश शिप्पी सुना था,
रिलेशनशिप भी पहली बार सुना था। काफी खोज खबर के बाद यह समझ में आया कि जिस भाषा का आपसे कोई लेना देना ना हो, वो शब्द आपके जीवन में कभी अचानक आ जाए तो आप घबरा जाएंगे, आप चौंक जाएंगे। वही मोदी जी के साथ इस वाक्य में भी हुआ, क्योंकि मोदी जी काफी समय तक संघ में रहे, फिर हिमालय पर रहे। उनका हर राज्य और हर राज्य के वोटर के साथ पुराना नाता रहा। यहां गौर करिएगा, उनका पुराना नाता रहा, लेकिन स्क्रिप्ट में लिख दिया गया रिलेशनशिप, मतलब रिश्ता। तो अचानक आए अंग्रेजी के इस शब्द से मोदी जी की जुबान लड़खड़ा गई और वो रिलेशनशिप को रिलेशनशिप भी पढ़ गए। प्रधानमंत्री इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की आज की इस क्लास में इतना ही। पात्रा निर्भीड सत्य अर्थात सर्वसामान्यांचे व्यासपीठ आपल्या सर्वांच्या हक्काचे चॅनल कटू सत्य लाइव न्यूज। धन्यवाद।